अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? मैं हूं मुनव्वर अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मुनव्वर पंजाबी व्यूअर। दोस्तों, मैं अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक हूं और अल्लाह पाक की पाक बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक हमारे तमाम व्यूवर्स को खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, जहां भी रहें खुश रहें। तो इसी दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। नमाज फजर अदा करके आ चुके हैं, सुबह सुबह का वक़्त है जी। क्या हुआ? बच्चे भी उठ गए आज, माशाल्लाह से धुंध नहीं है, हल्की हल्की जो है वो धुंध थी पहले सुबह, तो इस वक्त बहुत ही मौसम जो है वो प्यारा हो चुका है। और मैं इस वक्त जो है वो फर्श को पानी लगा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, इसकी तराई कर रहा हूँ। ये कल इसको जो है ना ये पानी नहीं लगाया था, तो आज इसको पानी लगाना ज़रूरी था क्योंकि कल इसका अपना जो वतर वो बहुत ज़्यादा था, तो आज जो है ये खुश्क हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा पानी लगा दे ताकि इसकी जो है पकाई अच्छी तरीके से हो जाए। इसको जितना ज़्यादा जो है इसके बाद पानी लगाएंगे, ताज़े को पानी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ताज़ा फिर वो सही तरह से जमता नहीं, ख़राब हो जाता है। तकरीबन एक दिन छोड़कर इसको दोबारा पानी जो है वो लगाना शुरू करते हैं, दो तीन दिन तक इसको मुसलसल अच्छी तरह पानी लगाएंगे ताकि इसका जो है ये अच्छी तरह से पक जाएगा। तो मज़ीद आज की जो रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो मज़ीद आगे वीडियो में जाने से पहले हमारी एक आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट दें और बेल का आइकन जो है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। तो दोस्तों, सुबह का नाश्ता आ चुका है। आज हमने बनाई थी पकौड़ियाँ, सुबह के नाश्ते में बहुत ही मज़ेदार हैं, साथ में माशाल्लाह ये चाटी की लस्सी, बहुत ही स्पेशल नाश्ता है आज का माशाल्लाह। तो नाश्ता करते हैं फिर आपसे बात करते हैं। दोस्तों, ये मैं बच्चों को छोड़ने गया था, वापसी पे हमारे जो है ना एक रास्ते में बेरी का दरख्त आता है और इसको सियूब बोरी में बेरी बोलते हैं, तो माशाल्लाह से बहुत ही बड़ा दरख्त है ये, तकरीबन एक कनाल में ये दरख्त फैला हुआ है और इसके जो बेर हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसको लगे हैं। मैं करीब जाकर आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बड़े ही मोटे मोटे इसके बेर हैं, ये आप देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा फल माशाल्लाह से इसको लगा हुआ है। इसको हम पंजाबी में सियू बेरी बोलते हैं। ये मैं आपको इसका मुकम्मल चारों तरफ से विज़िट करवाता हूँ, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा इसको फल लगा हुआ है, ये देखें, ये माशाल्लाह से बड़े मोटे मोटे बेर लगे हुए हैं, ये देखें, ये देखें, इधर भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा फल लगा हुआ है। ये इसके चारों तरफ आपको मैं दिखा सकता हूँ, नीचे नीचे से जो है ये बच्चे स्कूल से जब छुट्टी होती है तो वो तोड़ लेते हैं, तो ऊपर जो है वो फल बचा हुआ है तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खड़ा है, लेकिन हम बग़ैर इजाज़त के इसको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये जायज़ नहीं है बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल करना। और दोस्तों, ये मेरी बैक साइड पर आपको एक इमारत नज़र आ रही है, ये तकरीबन मेरे ख्याल से 150 से 200 साल पुरानी इमारत है, ये इसका विज़िट मैं आज आपको करवाता हूँ और दिखाता हूँ कि ये इतनी पुरानी इमारत मसलन बनाने का क्या मकसद है, क्यों बनाई गई है, किसकी मलकियत है, ये इसकी डिटेल मैं आज आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे
बैक साइड पे जो है ये पुरानी इमारत है और इसकी बहुत ही बड़ी बड़ी दीवारें हैं, किला नुमा इसकी जो है ना वो साख्त बनाई गई है वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये दोस्तों एक बिल्डिंग है बहुत ही पुरानी, 150 से 200 साल पुरानी। ये हमारे इलाके में बहुत पहले की बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसकी अब रिपेयरिंग की गई दोबारा, इसकी इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं ये नाजरीन, ये आप देख सकते हैं। ये पहले यहाँ पे हमारे इलाके में घोड़ी पाल स्कीम हुआ करती थी, उस वक़्त की ये इमारत बनी हुई है। अब इसकी दोबारा जो है इसकी रिपेयरिंग की गई, मरम्मत की गई है। बड़ी अजीब किस्म की ये इमारत है, आपको नज़र आएगी। ये भूत बंगले का मंज़र पेश करती है, लेकिन अब इसकी जब से जो है ना रिपेयरिंग की गई है तो ये अब कुछ बेहतर होगी। नहीं तो पहले ये आप देख सकते हैं जैसे वो पहले मुगलिया ख़ानदान के जो है ना वो हुआ करते थे। और इसके गार्डर आपको नाजरीन मैं दिखा सकता हूँ थोड़ा सा जूम करके, इतने बड़े बड़े गार्डर इसके ऊपर लगाए गए हैं, पता नहीं ये उठा के कैसे जो है ना इन्होंने इधर फिट किए होंगे। और ऊपर जो इसके बाले हैं, छत है, वो पुरानी अभी तक जो है ना वो खड़ी है, पता नहीं उस वक़्त से लेकर आज तक इसको जो है ना वो गुण वगैरह नहीं लगा है, दीमक वगैरह नहीं इसने ख़राब किया है। जो बाले हैं इसके ऊपर लगाए गए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं। और टाइल जो है, टाइल इस वक्त की टाइल जो है वो दो हों तो ये एक टाइल बनती है। ये ऊपर जो आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये इसका बाहर साइड का व्यू है, ये आप देख सकते हैं। पुराने नक्शे की तर्ज पर अभी तक ये हमारे इलाके में मौजूद खड़ी है, तकरीबन 150 से 200 साल गालबन इसको हो गए हैं। लेकिन इसकी जो ईंटें थीं वो ख़राब नहीं हुई थी, ईंटें भी इस किस्म की इसकी लगी हुई थी, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इनको जो है ये सीमेंट था वो थोड़ा थोड़ा इसका निकल गया था, पुराना सीमेंट जो इसका लगा हुआ था ये आप देख सकते हैं 200 साल तकरीबन पुराना, ये अभी वैसे का वैसा ही खड़ा है। जैसे जैसे ऊपर जाएं इसकी तमाम बनावट वैसी की वैसी ही खड़ी है, पता नहीं किस चीज़ से ये इन्होंने तैयार की थी। बहुत ही आला किस्म का जो है ना मटीरियल इसमें लगाया गया था। ये मैं आपको इसका दूर से व्यू दिखा सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं मेरी, ये आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर इसकी दीवारें देखें और इसकी साख देखें, बनावट देखें और इसका मटेरियल देखें तो बंदे की हैरत गुम हो जाती है, इतना ज़बरदस्त काम किया हुआ है। अब इतने सालों के बाद इस दफ़ा इसकी जो है ये मुरम्मत की गई है, इसको अंदर से प्लस्तर किया गया है, वरना ऊपर जो इसका सिस्टम देखा जाए तो अभी इसका जो ऊपर पहले वाला सीमेंट है वो अभी वैसे का वैसा ही खड़ा है। ये आपको दिखा सकता हूँ, ये अजीब तरह का नक्शा जो है ना वो दिया गया है। और ये इसकी छत का व्यू जो है, ये देखिए आप, टाइल इसकी अभी भी ऐसे है जैसे, मैं आपको नहीं ऐसे बयान नहीं कर सकता कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की टाइल लगी हुई है। और जो लकड़ी के ये बाले ऊपर दिए गए हैं, इतना अरसा गुज़रने के बाद भी आज तक के वैसे ही खड़े हैं। ये देखें इधर जो है ना गार्डर, ये थोड़े से छोटे डाले गए हैं, लेकिन उधर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गार्डर डाले गए हैं। ये पता नहीं उन्होंने किस चीज़ से उठाए थे। ये तकरीबन आपको मैं दिखा सकता हूँ, 1-2 तकरीबन मीडियम साइज़ की, 3 हाथ बंदे के हों तो ये एक दीवार बनती है। ये तकरीबन इसकी 2 फुट चौड़ाई है, इसकी 2 फुट चौड़ाई है तकरीबन। ये ऐसी पता नहीं पूरे इसरार किस्म की क्यों इन्होंने बनाई थी, ये आप देख सकते हैं, अजीब किस्म का नक्शा है। अगर मैं थोड़ा सा
ऊपर जा सकता तो मैं आपको दिखाता, तकरीबन इसकी 1.5 फिट चौड़ा गाटर है, 1.5 फिट का चौड़ा गाटर है ये। ये नीचे इसका फर्श जो आप देख सकते हैं कैसे कचरा इसमें बिखरा पड़ा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ों का, ये आप देख सकते हैं। बड़ा अजीब माहौल है, बंदे को यहाँ पे दिन के वक्त ही आते हुए जो खौफ आता है। ये पॉलीथीन इन्होंने यहाँ पे इधर रखा हुआ है इस वक्त, अगर रात को बंदे को इधर आना पड़ जाए तो बंदा नहीं आ सकता रात को, दोपहर के वक्त जो है ना दिन को इतना खौफ आता है। ये पता नहीं किसी चीज़ के जो है ना ये पर हैं, ये आप देख सकते हैं जैसे किसी जानवर को इस जगह पे खाया गया हो, बहुत ही खौफनाक जगह है ये, सुनसान बियाबान इलाके में ये ऐसी खौफनाक जगह है। बंदा जहाँ पे आने को दिन के लिए जो है वो घबराता है तो रात को कितना खौफ आता होगा यहाँ पे। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आपको आज इस जो है पुरेसरार जगह के बारे में बताया कि ये कितनी पुरानी जगह है, ये आप देख सकते हैं। तो जो है ना इसका मटेरियल साख्त इसके बारे में आपको मुकम्मल डिटेल बताई। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आए वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट दें। तो मिलते हैं फिर इसी तरह किसी और नई वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह।